वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल SSB2 सक्सेस। हम एक बार फिर हाजिर हैं आपके लिए एक बेहतरीन वीडियो लेकर। आज का ये वीडियो काफी मोटिवेशनल होने वाला है। दोस्तों, भारतीय सेना भारत की सुरक्षा का एक ऐसा अंग है जिसपे हर एक भारतीय बहुत गर्व करता है। भारतीय सेना के साथ साथ सभी देशवासी उन सभी सैन्य अधिकारियों पर भी गर्व करते हैं जो देश की सुरक्षा के लिए दिन रात सीमा पर खड़े रहते हैं, जिनकी वजह से बाकी सब देशवासी सुकून की नींद सो पाते हैं। हमारी भारतीय सेना में एक से बढ़कर एक ऐसे शूरवीर मौजूद हैं। आज के वीडियो में हम ऐसे ही एक सैन्य अधिकारी की बायोग्राफी लेकर आए हैं जो इंडियन आर्मी की सबसे महत्वपूर्ण कमांड के सैन्य वरिष्ठ अधिकारी तो है ही, साथ ही उन्होंने सीमा पर बड़े से बड़े विवादों को सुलझाया। भारत के महत्वपूर्ण युद्धों में इनका बहुत ही अहम योगदान रहा है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी की, जिन्हें भारतीय सेना लेफ्टिनेंट जनरल जो के नाम से जानती है। आपको बता दें कि इनका कारगिल युद्ध जीतने में बहुत बड़ा योगदान रहा। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी अपनी ब्रिलियंट प्लानिंग, प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड लीडरशिप के लिए जाने जाते हैं। ये खुद तो मोटिवेट रहते ही है और अपने कंपनी कमांडर्स को मोटिवेट करने के साथ साथ अपनी प्लेटून की सेफ्टी का भी पूरा ध्यान रखते हैं। आपको बता दें कि LOC कारगिल मूवी में एक्टर संजय दत्त ने इन्हीं का रोल प्ले किया था। आज के वीडियो में हम लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी की इंस्पिरेशनल लाइफ के बारे में जानेंगे, जिसे जानने के बाद आपको भी गर्व होगा कि हमारी सेना में ऐसे जाबाज मौजूद हैं जो देश के लिए जान देना भी जानते हैं और लेना भी। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर ले, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दे जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं और लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी के बारे में शुरुआत से जानते हैं। बात करें उनके बचपन की तो लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी का जन्म 5 जनवरी 1962 को हरियाणा के फरीदाबाद शहर में हुआ था। ये एक हिंदू ब्राह्मण परिवार में जन्मे थे। इनके पिता RP जोशी फरीदाबाद शहर में ही एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे और इनकी माता मीनाक्षी जोशी हाउस मेकर थी। लेफ्टिनेंट जनरल जोशी का जन्म एक मिडिल फैमिली में हुआ था तथा इनका बचपन बहुत ही साधारण तरीके से बीता। वहीं जोशी जी का अपनी माता के साथ बहुत ज्यादा अटैचमेंट था। ये प्यार इतना गहरा था कि वे अपनी माता से कभी दूर नहीं जाना चाहते थे। योगेश जी की शुरुआती शिक्षा DAV इंटरनेशनल स्कूल फरीदाबाद से हुई। आपको बता दें कि इन्होंने अपनी 12th क्लास साइंस स्ट्रीम से कम्प्लीट की। अपनी अर्ली एजुकेशन कम्प्लीट करने के बाद NDA एग्जाम क्लियर कर नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे के छात्र बन गए, जहां से NDA के 68th कोर्स से किलो स्क्वाड्रन में रहकर इन्होंने अपनी जूनियर मिलिट्री ट्रेनिंग और ग्रेजुएशन पूरी की। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद इन्होंने भारतीय सुरक्षा का साहसी अंग इंडियन आर्मी को चूज किया। इंडियन आर्मी को चुनने के बाद नेक्स्ट 15 डेज में फर्दर ट्रेनिंग के लिए इन्हें इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून में भेज दिया गया। ट्रेनिंग पूरी होते ही वे इंडियन आर्मी की 13 J&K राइफल्स में एज ए ऑफिसर कमीशन्ड हुए। अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेफ्टिनेंट जनरल जोशी जी के इंस्पिरेशनल मिलिट्री कैरियर की। लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जी के मिलिट्री कैरियर की शुरुआत 13 मई 1982 को इंडियन आर्मी की 13 J&K राइफल्स में कमीशनिंग से हुई। भारतीय सेना में कमीशन्ड होते ही 2 साल में ही वे सेकंड लेफ्टिनेंट रैंक से लेफ्टिनेंट रैंक पे प्रमोट हो गए। लेफ्टिनेंट रैंक पे रहते हुए योगेश जी ने स्क्वाड को लीड करना, स्ट्रेटजी समझना व बहुत से आर्मी रिलेटेड लीडिंग टास्क को सीखा। धीरे धीरे अपने कार्यों में एक्सपर्ट होते ही ये कैप्टन रैंक पर प्रमोट हो गए। कैप्टन बनते ही इन्हें आतंकी गतिविधियों को कम करने के लिए कई महत्वपूर्ण कार्य संभालने की जिम्मेदारी दी गई। दोस्तों, लेफ्टिनेंट जनरल YK जोशी
has served as the Director General of Infantry and ADG of Military Operation Branch in the Army Headquarter. वे GOC of 14th Corps के पद पर भी कार्य कर चुके हैं. आपको बता दें कि योगेश जी J&K Rifles and the Ladakh Scouts Regiment के कर्नल भी रह चुके हैं. योगेश जी ने अपने सारे कार्य बड़ी सावधानी से संभाले तथा अपनी रेजिमेंट को हमेशा अपना परिवार समझा. वे हमेशा अपनी रेजिमेंट की मदद के लिए आगे रहते. समय के साथ योगेश जी की कार्यकुशलता इंडियन आर्मी में बढ़ती रही तथा उन्हें टाइमली प्रमोशन मिलते रहे. अपने सैन्य सफर में लेफ्टिनेंट जनरल योगेश जी को अपने सभी कार्यकुशलता दिखाने का मौका मिला और वह मौका था 1999 का कारगिल युद्ध. वैसे तो योगेश जी ने बहुत से युद्धों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, पर कारगिल वॉर में उनके योगदान को देश कभी नहीं भूल सकता. आपको बता दें कि कारगिल युद्ध के समय वह जम्मू एंड कश्मीर की 13th बटालियन के कर्नल थे तथा उस दौरान वह 13th J&K राइफल्स का नेतृत्व कर रहे थे इन द्रास सेक्टर. इनकी ब्रिलियंट लीडरशिप की मदद से ही इनकी बटालियन ने कारगिल युद्ध में 4 सक्सेसफुल हमले किए, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट थे 0.5140 एंड 0.4875. कारगिल वॉर में इन पॉइंट्स की जीत ने एक बहुत बड़ा मोड़ ला दिया था. इस जीत में 13 J&K राइफल्स की एक बहुत बड़ी भूमिका थी. आपको बता दें कि 0.4875 को बत्रा टॉप के नाम से जाना जाता है, जहां पर विक्रम बत्रा ने अपना साहस दिखाया था. विक्रम बत्रा की वीरता व साहस के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजा गया. लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी के एक्सेप्शनल प्रेजेंस ऑफ माइंड के वजह से ही भारतीय सेना बैटल सिचुएशन को चेंज करने में सक्षम हो पाई तथा कारगिल वॉर जीतकर विजय पताका लहराई. आपको बता दें कि इनकी बटालियन को उनकी वीरता और साहस के लिए ब्रेवेस्ट ऑफ ब्रेव का टाइटल दिया गया. इनकी बटालियन को कारगिल वॉर के लिए 25 से ज़्यादा गैलेंट्री मेडल्स मिले, जिनमें 2 परमवीर चक्र, 8 वीर चक्र और 14 सेना मेडल शामिल थे. कारगिल युद्ध में सफलता मिलने के बाद लेफ्टिनेंट जनरल जोशी जी का ट्रांसफर लद्दाख स्काउट में हो गया तथा इन्हें 31 अगस्त 2018 को इंडियन आर्मी की 14th कॉप्स का 17th कमांडर बना दिया गया. इस पोस्ट पर कार्य करते हुए जोशी जी को चाइनीज बॉर्डर पर होने वाली हर हरकत की अच्छी खासी नॉलेज हो गई, जिसकी वजह से इन्हें भारतीय सेना में एन एक्सपर्ट ऑन चाइना के नाम से जाना जाने लगा. चाइना एक्सपर्ट बनने का मुख्य कारण उनकी चाइनीज लैंग्वेज की नॉलेज तो थी ही, साथ ही वे 3 बार ईस्टर्न लद्दाख सेक्टर में पोस्टेड थे. जोशी जी ने अपने कार्यकाल में कई ब्रिगेड एवं डिवीजन को कमांड करने के साथ साथ फायर एंड फूरी कॉप्स के भी कमांडर रहे. आपको बता दें कि ही ऑल्सो सर्व्ड एज डिफेंस अटैच टू चाइना. वहीं इंडिया एंड चाइना की पहली जॉइंट एक्सरसाइज हैंड इन हैंड जो 2007 में कुनमिंग चाइना में हुई थी, उसकी टेक्नोलिटीज को भी लेफ्टिनेंट जनरल जोशी ने ही नेगोशिएट किया था. ही ऑल्सो लेड आर्मी टॉक्स विथ चाइना. दोस्तों, बहुत सी सुरक्षा गतिविधियों में इनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा. आपको बता दें कि लेफ्टिनेंट जनरल रैंक पर प्रमोट होकर इन्हें नॉर्दर्न कमांड का कमांडिंग इन चीफ भी बना दिया गया. लेफ्टिनेंट जनरल जोशी जी ने आर्मी कैरियर में बहुत से मुकाम हासिल किए, जिनके लिए इन्हें बहुत से मेडल से सम्मानित किया गया. चलिए एक नज़र डाल लेते हैं लेफ्टिनेंट जनरल वाई के जोशी के अवार्ड्स एंड डेकोरेशंस पर. अपने सक्सेसफुल आर्मी कैरियर में इन्हें उत्तम युद्ध सेवा मेडल से नवाजा गया फॉर कमांडिंग द फायर एंड फूरी कॉप्स. सन 2016 में इन्हें अपनी बेहतरीन सेवाओं के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया. साथ ही कारगिल युद्ध में इनकी लीडरशिप के लिए इन्हें वीर चक्र और सेना मेडल से नवाजा गया. इसके अलावा भी इन्होंने बहुत से सर्विस मेडल, सैन्य सेवा मेडल और स्पेशल सर्विस मेडल इत्यादि हासिल किए. दोस्तों, ये थी वाई के जोशी जी की कंप्लीट बायोग्राफी, जिसने आप सबको ज़रूर मोटिवेट किया होगा.
आप सभी भी इन्हीं जैसे डिफेंस पर्सनल बनकर देश की सुरक्षा में अपना योगदान देकर देश को नई बुलंदियों तक जरूर पहुंचाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें ताकि देश का हर एक नागरिक इन शूर वीरों के बारे में जान सके जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। मिलते हैं आपसे हमारे अपकमिंग वीडियो में। टिल देन जय हिंद।